आज का टॉपिक है हमारा लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक, क्वेश्चन है वर्गांतराल पारंबारता, वर्गांतराल 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। पारंबारता है 14, 22, 16, 6, 5, 4, 3। ठीक है, इसको हम लघु, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है लघु विधि से। किस विधि से? हाँ, देखिए लघु विधि से कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं। वर्गांतराल लिख लीजिए 25, 30, फिर 30, 35, फिर 35, 40, 40, 45, 45, 50 और 50, 55 और 55, 60। पारंबारता लिख लीजिए, बारंबारता, इसको हम लोग एफ बोलते हैं। यह कितना है? 14, 22, 16, 6, 5, 4 और 3। तो मध्य बिंदु निकाल लीजिए। मध्य बिंदु कैसे निकलता है? मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं? इसको जोड़कर दो से भाग देते हैं। 30, 20, 50, 5, 55 में दो का भाग दे दीजिए 27.5। 30, 60, 5, 65 में दो का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 32.5। 40, 30, 70, 5, 75, 75 का आधा हो जाएगा 37.5। 40, 40, 80, 5, 85 का आधा हो जाएगा 42.5। 50, 40, 90, 5, 95 का आधा हो जाएगा 47.5। 50, 50, 100, 105 को हो जाएगा 52.5। फिर यहाँ हो जाएगा 57.5। मध्य बिंदु आ गया। मध्य बिंदु को हम लोग यक्स करते हैं। क्या करते हैं? यक्स। यह यक्स हो गया। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है? ध्यान रखिए, अगर प्रत्यक्ष विधि से कहता तो हम इसका गुणा करके जोड़ देते और फिर इसको जोड़कर भाग दे देते, हमारा समांतर माध्य हो जाता। लघु विधि से ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कल्पित माध्य लेंगे। कल्पित माध्य जो बीच में होता है उसको लेते हैं। तीन छो इधर छोड़ दीजिए, तीन छो इधर छोड़ दीजिए, तो कल्पित माध्य ये हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ विचलन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विचलन, उसको हम लोग डी कहते हैं। विचलन क्या होता है? एक्स माइनस ए। डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए डी का मान होता है। डी को चाहे एक्स माइनस ए ना, तो 27.5 से 42.5 घटाइए। 27.5 से 42.5 घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा? 15। ठीक, फिर 32.5 में से 42.5 घटाइए कितना आएगा? 10, माइनस 10। इसमें से इसको घटाइए माइनस 5, इसका हो जाएगा 0, इसका कितना होगा? प्लस 5, इसका होगा प्लस 10, इसका कितना होगा? प्लस 15। कैसे लिखे हैं? 27.5 से 42.5 घटाएंगे माइनस 15, 32.5 में से 42.5 को घटाएंगे तो माइनस 10, 37.5 से 42.5 घटाएंगे माइनस 5, और 42.5 से 42.5 घटाएंगे 0, 27.5 में से 27.5 घटाएंगे 42.5 घटाएंगे तो 5 आएगा, 52.5 से 42.5 घटाएंगे प्लस 10 आएगा, 57.5 से 42.5 घटाएंगे प्लस 15। हमें करना क्या है? सब में से ए को घटाना है, सब में से ए को घटाना है। अच्छा, जब विचलन आ जाता है तो हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? एफ डी। क्या निकालेंगे? एफ डी, एफ डी का मतलब बारंबारता विचलन का गुणा। तो बारंबारता यहाँ पर है, विचलन हमारा यहाँ पर है, गुणा कर दीजिए। 14 में -15 का गुणा करने कितना आएगा? -15, 14, 60, 15, 15, 6, 21, सही है ना? इसका इसमें
22 में 10 गुणा करें तो -220, 16 में -5 गुणा करें कितना होगा -80, 6 में 0 गुणा करें 0, 5 में 5 गुणा करेंगे 25, 4 में 10 गुणा करेंगे 40, 3 में 15 गुणा करेंगे 45। हमें क्या करना है, एफ वाला जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ बराबर कितना होगा 4 3 7 5 12 6 18 और 10 28 6 34 2 36 20 56। फिर से जोड़ लीजिए, 4 6 6 12 6 18 5 23 23 7 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 4 6 7 70 होगा, कितना होगा। एफ डी वाला जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ डी, धन वाला अलग जोड़िए ऋण वाला अलग, यह 300 हो गया, 3 2 510 हो गया, ऋण वाला, ऋण वाला कितना हो गया -510। धन वाला जोड़ लीजिए, 40 2 60 10 70 और 40 110 ना, घटा दीजिए कितना आएगा -4, सब यहाँ लिखेंगे -400, कितना नोट कर लीजिए। अब समांतर माध्य क्या हो जाएगा, हमारा सूत्र लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। जब लघु विधि से कहेगा तो यही वाला सूत्र लगाएंगे समांतर माध्य का ना। एक स्थान क्या लिखेंगे 42.5 प्लस सिग्मा एफ डी के स्थान क्या लिखेंगे -400 और बटा सिग्मा एफ के स्थान पे 70। 42.5 प्लस माइनस माइनस 400 बटा 70, ये कट जाए 0 0 से गया, कितना आया 42.5 माइनस 7 5 35 5 0 7 7 49 1 0 7 1 7 42.5 से 5 0 7 1 निकाल दीजिए, 7 10 से 1 निकला 9 14 7 7 11 5 6 36.79 कितना आया आंसर हमारा 7 9। ठीक है, इसको हम लगभग में 36.8 कर सकते हैं। ध्यान देखिए, पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना, पद विचलन विधि से कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से देखिए, वर्ग अंतराल लिखेंगे कितना है 0 से 10 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, बारंबारता लिख लेते हैं हम लोग, बारंबारता को हम लोग एफ करते हैं ना, 5 8 15 16 6 इसका मतलब क्या होता है, 0 से 10 के बीच में कितनी संख्या है, मतलब 0 से 10 के बीच में कितनी बारंबारता है 5, 10 से 20 में 8, 20 से 30 में कितनी बारंबारता है 15, 30 से 40 में 16 बारंबारता है, 40 से 50 में 6। ठीक, मध्य बिंदु निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं एक्स, क्या बोलते हैं, 0 में 10 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे कितना आएगा 5, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग दे दीजिए 15, 30 20 50, 50 में 2 का भाग दे दीजिए 25, 30 40 70 में 2 का भाग देंगे 35, यहाँ कितना हो जाएगा 45। इसको जोड़ के 2 से भाग देना है, 50 40 90 90 का आधा 45, इसमें 2 इधर छोड़िए 2 इधर, कल्पित माध्य हमारा कितना हो जाएगा ए। ठीक, विचलन निकालेंगे, क्या निकालेंगे विचलन, विचलन को हम लोग डी बोलते हैं, डी निकालिए, डी बराबर क्या होता है एक्स माइनस ए, क्या होता है एक्स है, इसी में से ए को घटाना है, 5 माइनस 25 से कितना आएगा -20, 15 माइनस 25 से कितना आएगा -10,
पच्चीस माइनस पच्चीस से कितना आएगा जीरो, पैंतीस माइनस पच्चीस से कितना आएगा दस, पैंतालीस माइनस पच्चीस से धन बीस। ठीक है, अब इतना तो हम लोग जो है लघु विधि में भी करते थे ना। इसके बाद क्या करना है, इसमें कामन खोजिए। इसमें कामन क्या है, दस है, क्या है, हाँ, तो हम लोग डी बाई एच निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी बाई एच, डी बाई एच निकालेंगे, या तो एक्स माइनस ए बाई एच करिए, एक मिनट, एक्स माइनस ए बाई एच, ठीक है, इसको डी मानिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर, यहाँ पर डी बराबर क्या निकालेंगे, एक्स माइनस ए बाई एच, एक्स माइनस ए बाई एच, एक्स माइनस ए हम निकाले थे माइनस बीस आया था, एच कितना लेंगे हम लोग, जो सभी में कॉमन हो वही एच होता है। एच क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो, सभी में दस कॉमन है तो हम एच बराबर दस लेंगे, ध्यान देना, यह कॉमन होता है। एक्स माइनस ए में जो सभी में मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच। तो यहाँ एच बराबर कितना है, दस। चलो हम लोग बी माइनस ए बाई एच निकालते हैं, कितना आएगा, बीस में दस का भाग देंगे तो ऋण दो, ऋण एक, मतलब एक्स माइनस ए है, एच से भाग दे देंगे, ठीक, और यहाँ पर जीरो, यहाँ एक हो जाए, यहाँ दो, ठीक। उसके बाद एफ डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाँ एफ डी निकालिए, एफ कहाँ है, पाँच है, यहाँ पर ऋण दो है, पाँच दूना ऋण दस, आठ कम आठ ऋण आठ, पंद्रह शून्य शून्ना, सोलह का सोलह, और छः दूना बारह। यहाँ सिग्मा एफ डी कर लीजिए, कितना होगा जोड़ दीजिए, सोलह बारह कितना होगा, धन तीस, और दस आठ अठारह ऋण अठारह, धन तीस ऋण अठारह कितना होगा, सोलह बारह अट्ठाईस, अट्ठाईस होगा, सोलह बारह अट्ठाईस और दस आठ, फिर से दस आठ अठारह ऋण अठारह और सोलह बारह अट्ठाईस, तो हमारा कितना बचा, धन दस, कितना आया, धन दस। सिग्मा एफ डी बराबर धन दस आ गया, एफ वाला भी जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ भी जोड़ दीजिए, छः छः बारह पाँच सत्रह आठ पच्चीस पाँच तीस सात लगा तीन, तीन दुई पाँच, आठ पाँच तेरह पाँच अठारह छः चौबीस छः तीस, शून्ना आठ लगा तीन, तीन दुई पाँच। हाँ, अब समांतर माध्य देखिए कैसे ज्ञात होगा, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा हमारा a प्लस एच गुणे एच सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। लघु विधि में यहाँ पे एच नहीं था ना, पद विचलन विधि में यहाँ पे एच आ जाता है ना, बात समझ आ गई, नहीं एच इसलिए आ जाता है, इसमें जो एच से भाग दिए हैं वही यहाँ गुणा कर देंगे वो बराबर हो जाता है, जैसे एच से भाग दिए हैं उसी एच का इसमें गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाता है। मान रखो एक स्थान पे रखेंगे 25 प्लस एच के स्थान पे 10 और सिग्मा एफ डी कितना है 10 और सिग्मा एफ कितना है 50, 25 प्लस 5 गुना 10 सत्ताईस, कितना है आंसर 27। या इसमें जो है लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना और पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना।